अगर आप डीलर भी हो ना, मेरी गाड़ी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो भाई बंदे को जेन्युइन बता के, तो भाई आपकी गाड़ी का मीटर बैक है, आपकी गाड़ी में ये चीज हमने करवाई है, ये चीज है भाई, मतलब क्योंकि ना किसी की भावनाओं से मत खेला करो यार। हार्ड अर्न मनी होता है, बंदा इतनी मेहनत से पैसा कमाता है यार, दिनों रात वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे जब जाके, तो मतलब कि मैं पैसे कमाता हूँ, इतनी मेहनत से पैसे उठ के गाड़ी ली, उसके बाद भी मेरे घर वाले मेरे को आज पता क्या बोल देंगे, तूने किससे गाड़ी ले ली भाई ऐसी, भाई साहब आपकी गाड़ी के ना चारों टायर कट रहे हैं, वो टायर बाहर वाली साइड से तो अच्छे थे, टायर अंदर से कट रहे थे, सारे टायरों के अंदर ट्यूब पड़ी हुई थी। तो भाई साहब मतलब इतना बुरा लगा उस बंदे को, जेन्युइन सर्विस है, फर्स्ट टाइम ये है, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट है, घंटा भाई कुछ नहीं होता ओरिजिनल पेंट, कोई जेन्युइन रनिंग नहीं होती भाई, सारी की सारी मैं आपको बता रहा हूँ, मीटर पलटे होते हैं सारी गाड़ी को, मैंने बताया मेरी गाड़ी क्षेत्र चली, तो उन्होंने मेरे से पता क्या बोला, उनका कहना ये था कि सर लास्ट टाइम आपकी गाड़ी सर्विस होने आई थी 111,000 रुपए, और आप आज ये बात कह रहे हो कि आपकी गाड़ी चली है 76,000। और मतलब लिटरली सुन के मैं थोड़ा सा ना उसमें पड़ गया, मैंने कहा मैं बट मेरी गाड़ी तो जब आपको एक चीज आज बोलता हूँ कि कभी सेकंड हैंड गाड़ी भूल के खरीद मत लेना भाई, 1,50,000 का लालच मत करा करो, नई गाड़ी खरीद ले करो भाई, क्योंकि पुरानी गाड़ी में दिक्कत क्या होती है, पहली दिक्कत आपको बता दूंगा आज। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडिफाइड जोन। तो गाइस जी हाँ, टाइटल देख लो तो हमने लिख ली भाई, लिटरली मैं सेकंड हैंड गाड़ी परचेज करके ना बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ, और लिटरली मैं आप सबके लिए मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को इस कंटेंट पे वीडियो बनानी चाहिए, तो इसलिए मैं इस कंटेंट पे वीडियो बना रहा हूँ, और आप सबको प्रॉपर भाई प्रॉपर एक नॉलेज देना चाहता हूँ कि अगर मैंने ये गाड़ी ली, मेरे साथ जो गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ आप सबके साथ ना रिपीट ना हो, तो मतलब मैं वही आप सबको सारी चीज़ शेयर करूंगा कि कैसे क्या, मतलब जो चीज़ मुझे मेरे को जो प्रॉब्लम हुई है ना, वो प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस ना करनी पड़े अगर आप सेकंड हैंड कार लेते हो, तो सारी डिटेल्स आपको सारी बातें बताऊंगा, एक्स वाई टोटल बताऊंगा, और मैंने ली मेरे साथ क्या चीज़ हुई है वो भी आपको सारी एक्सप्लेन करूंगा, तो गाइस देरी ना करते हुए करते आज की वीडियो। हाँ जी, तो गाइस मैं आप सबको ना मतलब प्रॉपर आज मैं आपको ये बताने वाला था कि अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेते हो तो भाई क्या चीज आपको देखनी है क्या नहीं देखनी। गाइस लिटरली मैंने परचेज करी थी, मैंने करी है ऑल्टो K10 परचेज, ठीक है। अब ये देखो मतलब कि मैंने लास्ट ईयर परचेज करी थी, मेरे को एक गाड़ी पड़ी थी कम से कम 2,61 की मेरे को पड़ी थी, 2,61,000 रुपये मेरे को टोटल पड़ी थी, बाकी मैंने जो EMI करवाई थी तो उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगा रहा था, तक 10-15,000 रुपये अप्रॉक्स ऊपर लगा था, तो वो मिला के मेरे को करीब पड़ गई होगी 270 या 275 के करीब पड़ गई होगी, ठीक है। तो गाइस मैंने जब गाड़ी ली थी तो मतलब गाड़ी की कंडीशन ना मतलब बाहर से ठीक ठाक थी और साफ सुथरी सी थी, ठीक है, मतलब मैंने ज़्यादा देखी भी नहीं थी, साफ सुथरी सी ही थी। बाकी मैंने जो ली थी ना, मैंने ट्रस्ट करके ली थी, एक मेरे नॉन में भी है, उनके उन पर मैंने ट्रस्ट करके गाड़ी ली थी, और भाई जिस बंदे से मैंने ली थी ना, मैं लिटरली आपको बताऊं तो मैं आपको एक चीज़ आज बोलता हूं कि कभी सेकंड हैंड गाड़ी भूल के खरीद मत लेना भाई, 1,50,000 का लालच मत करा करो, नई गाड़ी खरीद ले करो भाई, क्योंकि पुरानी गाड़ी में दिक्कत क्या होती है, पहली दिक्कत आपको बता दूंगा ना आज। मैंने गाड़ी ली ट्रस्ट से, मैंने गाड़ी ले ली, मेरी गाड़ी में उस टाइम मेरी गाड़ी चली थी इस गाड़ी की रीडिंग थी 64,000 इसकी रीडिंग थी मीटर के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मतलब मैंने गाड़ी ले ली, मैंने मेरा ना फ्रेंड है मारुति, मैंने उससे बात करी, तो उसने बोला कि मतलब मैं आपको बताता हूँ, तो उसने बताया नहीं, उसके यहाँ पे वो कहता हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सर्वर इशू आ रहा है, इस वजह से उसने बताया नहीं कि मतलब ये गाड़ी मतलब कि ना ये कितनी चली हुई, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अपना ट्रस्ट है भैया के रेफरेंस से ले रहा हूँ, तो कोई बात नहीं कुछ नहीं होता ले लेता हूँ। भाई उसके बाद हुआ ये कि ना अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे पास फोन आता है मारुति से, जनवरी या फरवरी के करीब फोन आया था मारुति से, तो वो मेरे से कहते हैं आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवा लो, आपकी गाड़ी मतलब लॉन्ग टाइम सर्विस नहीं। मैंने कहा मतलब मेरी गाड़ी आपके पास लास्ट सर्विस होने का भाई, तो उसने कहा हमारे पास आपकी गाड़ी लास्ट सर्विस होना पिछले साल आई थी जनवरी में, तो उसके बाद नहीं आई है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मतलब क्या डिस्काउंट दे रहे हो, फिर क्या ऑफर आपके यहाँ चल रहा है, तो मेरे को बोला मतलब आपको मैं आपको अच्छे से अच्छा डिस्काउंट दे देंगे, 4,500-5,000 रुपये तक मतलब पूरी गाड़ी सर्विस होगी, अलाइनमेंट वगैरह ब्रेक ब्रेक की मतलब होती है, क्लीनिंग वगैरह सब चीज़ कर देंगे आपको। तो उन्होंने मेरे से पूछा आपकी गाड़ी चली कितनी, मैंने कहा मेरी गाड़ी में अभी एक बार आपको भी दिखा देता हूँ मोटर को, मैं मेरी गाड़ी कितनी चली टोटल, तो मेरी गाड़ी में अभी रीडिंग है 76,696। तो अभी टोटल मेरी गाड़ी की ना ये रीडिंग है गाइस, ठीक है, ये जब मैंने ली थी जब ये चली हुई थी 64,000। तो मतलब मैं ज्यादा दूर तो इससे नहीं गया, बस एक बार इससे मैं मसूरी गया हूँ और एक आधा बार मैं कहीं छोटी मोटी जगह गया हूँ, हद से 100-150 किलोमीटर दूर, इससे मैं कहीं गया नहीं आज तक। तो जब उनको मैंने बताया मेरी गाड़ी 76,000 चली, तो उन्होंने मेरे से पता क्या बोला, उनका कहना ये था कि सर लास्ट टाइम आपकी गाड़ी सर्विस होने आई थी 111,000 रुपए, और आप आज ये बात कह रहे हो कि आपकी गाड़ी चली है 76,000। और मतलब लिटरली सुन के मैं थोड़ा सा ना उसमें पड़ गया, मैंने कहा मैम बट मेरी गाड़ी तो जब मैंने 64,000 चली थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर जब आपने अपनी गाड़ी ली होगी ना, जिस डीलर से आपने लिया उसने गाड़ी का मीटर बैक करके आपको दिए, प्लस इस गाड़ी के ऊपर एक क्लेम लिया हुआ था 17,000-20,000 रुपये, उन्होंने बताया क्लेम था मतलब ग्लास वगैरह बम्पर वगैरह, उन्होंने मुझे बताया कि मतलब 20,000 रुपये इस गाड़ी पे क्लेम लिया हुआ है और गाड़ी 111,000 ऑलरेडी चल चुकी है। तो अब ये चीज देख लो भाई, ये चीज सुन के ना मेरे को जो इतना बुरा लगा लिटरली, कि मैंने एक तो अपने नॉन से गाड़ी ली थी, ठीक है, और उसके बाद भी मेरे को वो बातचीत नहीं मिली भाई। लिटरली मैं आपको बताऊं ना, नॉन से गाड़ी ली, फिर दूसरी बात आप ये देखो
कि गाड़ी में ये वाला जो स्कैम हुआ है ना, ये मुझे बहुत लिटरली पसंद नहीं आया, इसलिए मेरे को मैं वीडियो नहीं बनाता यार कभी भी, पर लिटरली मेरे को जो चीज हर्ट हुई इसलिए भाई मैं आपसे बात बोल रहा हूँ कि ना आपको कभी भी सेकंड हैंड गाड़ी परचेज करनी है तो भाई मतलब प्रॉपर चेक, भाई जो गाड़ी है ये मेरी, मैंने अपनी ना बहुत मेहनत से कमाई है यार, मतलब आपको पता होगा मेरा यूट्यूब चैनल है D84 व्लॉग्स के नाम से, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लास्ट चैनल डिलीट होता है यूट्यूब से, मेरे 70,000 सब्सक्राइबर थे, ठीक है, तो मतलब उससे मैंने ना मतलब एक साल से मैंने पैसे जोड़ जोड़ के गाड़ी खरीदी अपने हार्ड एंड से, उसके बाद मेरे को इसका ऐसा हुआ बस वो गाड़ी तो मतलब बहुत अच्छी है लिटरली बाय ट्रस्ट, और मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है और मेरे मतलब कि ना दिल के बहुत ज्यादा करीब है यार, जैसे मतलब क्यों होती है ना लड़कों के मोस्टली जो करीब होती है उनकी गाड़ियां होती है, क्योंकि उनसे ना बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो वही बात बता रहा हूँ कि मेरे को जो चीज में बहुत ज्यादा गलत लगी मुझे वो ये लगी कि यार इसके ना मीटर बैक हो रखा है। अब यार अब मैं नोन से गाड़ी ले रहा हूँ यार, एटलीस्ट तुम तो अपने बंदे को बता तो दो कि भाई मतलब गाड़ी में ये बात है या फिर ये है, आप अपने नोन में बता भी नहीं रहे हो गाड़ी ऐसे बेच रहे हो, मतलब अपने रिश्तेदार में किसी को रिलेटिव में बेच दे रहे हो, तो कम से कम बता के देनी चाहिए ना भाई। कभी भी आपको बता रहा हूँ किसी पे ट्रस्ट मत करना, कोई सेकंड हैंड गाड़ी भी लेते हो ना भाई प्रॉपर गाड़ी का नंबर नोट करो, किसी भी शोरूम में जाओ वहां जाकर प्रॉपर गाड़ी की डिटेल्स निकलवाओ, गाड़ी में क्या क्या सर्विस हुआ है, क्या क्या क्लेम लिया हुआ है और क्या कितनी रनिंग है, कितने पे जेन्युइन लास्ट टाइम चलने आई थी, तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। प्लस दूसरी बात, गाड़ी लेते हो किसी भी लोकल मैकेनिक के पास चले जाओ, अगर लोकल मैकेनिक पे जाना चाहो तो वैसे मैं तो प्रेफर करूंगा शोरूम में चले तो ज्यादा बेटर, बाहर वाले भी क्या होते हैं जो डीलर होगा ना उसके पास में जो भी मिस्त्री होगा वो उसकी सेटिंग का ही होता है, वो यार गाड़ी बहुत अच्छी है फलाना ढंग का, बट शोरूम में जाओगे प्रॉपर पता चलेगा आपकी गाड़ी में कितना काम हुआ, इंजन का कभी काम हुआ या नहीं हुआ, हर एक चीज पता चल जाती है यार, गाड़ी की ना आवाज ही बोल देती है कि गाड़ी कितने किलोमीटर जेन्युइन चली हुई है। बाहर आपको इतने डीलर की वीडियो मिल जाती है ना, सब कहते होंगे कि जेन्युइन सर्विस है, फर्स्ट टाइम ये है, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट है, घंटा भाई कुछ नहीं होता ओरिजिनल पेंट, कोई जेन्युइन रनिंग नहीं होती भाई, सारी की सारी मैं आपको बता रहा हूँ मीटर पलटे होते हैं सारी गाड़ियों के, मीटर चेंज हो जाते हैं, मीटर बैक हो जाते हैं जब गाड़ी बिकती है भाई, हर एक जगह चेक करवाओ तब प्रॉपर सेटिस्फेक्शन दिल। मैं लिटरली अपना रिव्यू दूंगा, कभी जिंदगी में कोई सेकंड हैंड चीज मत खरीदना, चाहे फोन लो कुछ भी लो भाई, मैं फोन किया तो मैंने फोन लिया था सेकंड हैंड, वो भी अपने नोन से लिया था भाई, अंडर एप्पल वारंटी था मेरा आईफोन भी ना, मैंने प्रॉपर उसके अंदर मैंने वो करा, मतलब कि प्रॉपर ना दिक्कत आ रही थी, फोन मेरा रिस्टार्ट हो रहा था बार बार iPhone XR, मैं सर्विस सेंटर देखा एक हफ्ते बाद मुझे फोन मिला फिर भी सेम इशू था, वो फोन आखिर में मेरे को लॉस से मेरे को फोन अपना बेचना पड़ा, फिर मैंने दूसरा फोन लिया, तो भाई मेरे को तो मतलब भाई प्रॉपर ना अपने आप से ये चीज फील हो गई है कि गाड़ी जिंदगी में कुछ आपको लेना है नहीं लेना आपको, पर जिंदगी में कभी सेकंड हैंड चीज नहीं लेनी भाई, मत लो। मैं कहता हूँ 1,00,000 रुपए महंगी है ना, कुछ दिन और मेहनत कर लो, साल रुक जाओ भाई, कहीं से उधार ले लो, लोन पे ले लो, पर सेकंड हैंड चीज लेने की। और भाई दूसरी बात, तीसरी बात आपको बता दूं, दो तो ने बता दी, तीसरी बात बता रहा हूँ भाई, मैंने गाड़ी ली, मेरी गाड़ी के टायर ना वो भाई कहने लगा, मतलब कि टायर ना मतलब ब्रांड नहीं है, टायर की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो बाहर से भाई लिटरली ना टायर बहुत अच्छे लग रहे थे है ना, और मतलब कि टायर सारे बड़े अच्छे लग रहे थे भाई, जब मैं मायापुरी लेके गया था अपनी गाड़ी को अलॉय व्हील डलवाने के लिए, बंदे ने टायर खोले, बंदा पता क्या कहता, भाई साहब आपकी गाड़ी के ना चारों टायर कट रहे हैं, वो टायर बाहर वाली साइड से तो अच्छे थे, टायर अंदर से कट रहे थे और सारे टायरों के अंदर ट्यूब पड़ी हुई थी, तो भाई साहब मतलब इतना बुरा लगा उस बंदे को भी बोला, बंदा कहता कि भाई कोई बात नहीं आपके लिए इतना कर दूंगा, अपनी गाड़ी वॉशिंग फ्री करवा लेना। अबे भाई मेरी एक बात बताओ भाई, वॉशिंग और क्लीनिंग क्या 100-200 रुपए की होती है भाई, तुम झूठ बोले गाड़ी बेचो, कल को टायर फट जाए कुछ हो जाए भाई मेरा क्या होगा, 2,61,000 रुपए लगाने के बाद ही मेरे को गाड़ी में क्या मिला, ये चीज मिली मेरे को, मतलब ये सारे ना फ्रॉड भाई स्कैम होते हैं सेकंड हैंड गाड़ियों के अंदर ना, मेरे से कह रहे ट्यूबलेस टायर है आपके गाड़ी में, ट्यूबलेस टायर लगे हुए सारे के सारे, ट्यूबलेस टायर है गाड़ी पे ना, व्हील कवर चढ़े हुए थे, क्या वो व्हील कवर आते हैं वो चढ़े हुए थे भाई, जब मैंने वहां टायर उतरवाया ना, बंदे ने दिखाए इतने मोटे मोटे कट लग रहे थे उसके अंदर, सारे टायर में ट्यूब पड़ी हुई थी गाड़ी के अंदर, ये देख लो आप भाई, कल को कुछ भी हो सकता है, कुछ मैं ये नहीं कहता कुछ भी हो जाए भाई, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसका, हम तो हमारी तो भाई जान प्यारी है ना भाई, गाड़ी तो हमारी जान प्यारी है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कोई नहीं लेता इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम से कम भाई पुरानी गाड़ी बेच रहे हो यार, अगर आप डीलर भी हो ना मेरी गाड़ी मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई बंदे को जेन्युइन बता के, तो भाई आपकी गाड़ी का मीटर बैक है, आपकी गाड़ी में ये चीज हमने करवाई है, ये चीज है भाई, मतलब क्योंकि ना किसी की भावनाओं से मत खेला करो यार, हार्ड अर्न मनी होता है, बंदा इतनी मेहनत से पैसा कमाता है यार, दिनों रात वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, जब जाके तो मतलब कि मैं पैसे कमाता हूँ, इतनी मेहनत से पैसे उठ के गाड़ी ली, उसके बाद भी मेरे घर वाले मेरे को आज पता क्या बोल देंगे, तूने किससे गाड़ी ले ली भाई, ऐसी बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं यार, तो इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कभी भी गाड़ी लो सोच समझ के लेना, वीडियो बनाने का कोई पर्पस नहीं है, किसी डीलर को हार्म नहीं कर रहा, किसी ब्रांड को हार्म नहीं कर रहा, मारुति की गाड़ी पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, मेरी चॉइस है मारुति की गाड़ी लिया करो, क्योंकि मारुति की गाड़ी सस्ती होती है, सर्विस कॉस्ट बहुत कम पड़ती है, और प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर ना आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कभी कोई पार्ट भी चेंज होगा ना भाई बहुत सस्ते पार्ट आते हैं,
1100 की टेल लाइट आती है, हेडलाइट भी काफी सस्ते सस्ते आते हैं, मतलब और गाड़ी के और कंपनी मतलब कंपेटेबल में अगर आपको बताऊँ ना कंपेरेबल में, तो मार्केट में मारुति के पार्ट इजीली मिल जाते हैं और जेन्युइन पार्ट के इसके बहुत ज्यादा एमजीपी के स्टोर्स भी बहुत ज्यादा जगह आपको एमजीपी के स्टोर्स भी मिल जाएंगे, जगह जगह पे एमजीपी के स्टोर खुले हुए हैं। तो भाई सारी काफी सारी चीजें हैं भाई। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने गाड़ी ली थी उसके बाद कुछ दिन बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरा एक्सीडेंट क्या होता, यहाँ फोटो आ रही होगी भाई मेरी गाड़ी की ना एक्सीडेंट की। तो भाई जब मैंने गाड़ी ली थी ना, तो मैंने काफी टाइम से उनसे कहा था मेरी गाड़ी का आरसी ट्रांसफर हो गया, आरसी ट्रांसफर हो गया, नहीं हुआ क्या हुआ? तो भाई वो कहते हैं हाँ हो रहा है। उन लोगों ने पहले मेरे से कोई बात नहीं करी, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। और भाई लिटरली बताओ मेरी गाड़ी का आरसी ट्रांसफर नहीं होता, जिस गाड़ी के जिस बंदे के नाम पे गाड़ी थी उस बंदे ने कह दिया मैं क्लेम नहीं लूंगा। उसने कह दिया मैं अपने ऊपर क्लेम ही नहीं ले रहा भाई। अब वो क्लेम नहीं ले रहा, हमें क्लेम मिल नहीं सकता था क्योंकि हमारे नाम मेरे नाम पे गाड़ी ट्रांसफर नहीं थी। अभी भी गाड़ी ना मतलब मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं है। गाड़ी का नंबर डाल चेक करोगे तो मेरी गाड़ी का नंबर है DL4CAU9511। अगर आप चेक करके डाल के तो ये प्रॉपर दीपक शर्मा नाम से आएगी, मतलब मेरा कजन है उसके नाम पर ले रखी है मैंने, क्योंकि मैंने फाइनेंस करवाई थी उसमें थोड़ा सा ना उसका इशू था जो GST वगैरह का था, उसमें जो वो होता है इनकम टैक्स उसकी थोड़ा सा इशू आ रहा था तो उसके नाम पर ले रखी है। तो भाई वही रिकमेंड करता हूँ, कभी भी गाड़ी लो प्रॉपर चेक करवा के लो, और सेकंड हैंड भी लेनी है अगर आपका बजट नहीं है ना, तो भाई प्रॉपर देख के लेना, अच्छे से परख के लेना, पेंट मुंट दिखवा लेना, क्योंकि कल को अगर आप अपनी गाड़ी सेल करोगे ना तो जो बाहर का पेंट होता है भाई इसकी भी वैल्यू नहीं होती, गाड़ी की पूरी वैल्यू डाउन हो जाती है। आपकी गाड़ी की जितनी भी वैल्यू होगी ना वो भी आधी हो जाएगी बाहर के पेंट की वजह से। पेंट करवाते हो शोरूम से पेंट करवाओ, थोड़ा पैसा खर्च करो भाई, हर जगह दिखवा के लो, बार बार रिकमेंडेशन नहीं देगी संदीप भाई की पर्सनली। बाइक भी लेते हो ना भाई हर एक चीज दिखवा के लेना, बाइकों में बहुत ज्यादा इंजन के काम होते हैं। और जो मतलब जो बंदा भाई पहले बार वीडियो देखो खरीद रहा है उसको पता नहीं होगा कि भाई ये कैसे होता है, तो इसलिए रिकमेंड करूंगा कि अगर कुछ भी लेते हो देख के लो। भाई तुम्हारे भाई का चैनल है DL84 Vlogs के नाम से, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां सब्सक्राइब करना। यूट्यूब पे मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा DL84 Vlogs के नाम से। अप्रॉक्स आज मेरे 47.4K फॉलोवर्स हैं, फॉलो कर लो वहां पे, मतलब काफी ज्यादा फॉलोवर्स हो जाएंगे हमारे भी। बस ये मेरा तो कुछ जो मैं चाहता था आप लोगों को शेयर करना, जो मेरे को लगा कि भाई इंपॉर्टेंट है सबको बताना चाहिए यार, मेरे साथ जो चीज हुई है वो आपके साथ ना हो ना, इस वजह से मैंने वीडियो बनाई है। मेरा किसी को पर्सनली किसी को हर्ट करने का कोई पर्पस नहीं है, जो मेरे को सच लगा जो मेरे साथ हुआ मैंने आपको बताया। उस भजिस भाई से गाड़ी लीजिए, आज मैं उससे कहता हूँ भाई मेरी गाड़ी लोगे क्या, तो भाई कहते हैं कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल है हम आपकी गाड़ी नहीं लेंगे। तो ये सारी चीजें होती है भाई, ये गाड़ी इतनी लक्की है ना, इसका एक्सीडेंट जो मेरा हुआ था फोटो है साइड में आ रही होगी, ये देख लो इतना एक्सीडेंट होने के बाद भी आज मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ। गाड़ी कंडीशन आपने मेरी दूसरी वीडियो में देख ली होगी और मैं बिल्कुल सेफ था, मुझे कुछ नहीं हुआ था, बाय गॉड और बालाजी की कृपा थी तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया। और अभी भी कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, पीछे से क्वार्टर पैनल होता है उस पर डेंट वगैरह था, ट्रक से हल्का टच वगैरह हुई थी और टेल लाइट मेरे वही टूटे हुए थे, टेल लाइट मैंने इसलिए रिप्लेस नहीं करी, मेरा मायापुरी का चक्कर नहीं लग रहा। मैं मायापुरी जाऊंगा तो मैं प्रॉपर व्लॉग बना के आऊंगा, क्योंकि आप लोग अलॉय व्हील की वीडियो बड़ा प्यार देते हो, अलॉय व्हील की वीडियो भी आएगी आप सबके लिए। अल्टो वाले कौन कौन से अलॉय व्हील लगते हैं भाई, सारे अलॉय व्हील लगा दूं आपकी बार इस वीडियो के अंदर ना, सारे अपने अपनी गाड़ी के दो पहिए खुलवा दूं और आपके लिए ना सारे अलॉय व्हील लगा के दिखाऊंगा। तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, आई होप को वीडियो पसंद आई होगी। तो बाकी छोटी चीजें, इंजन चेक करवाओ अपनी गाड़ी का, सारे पार्ट चेक करवाओ, मतलब प्रॉपर जेन्युइन है या नहीं है, गाड़ी के अंदर मीटर की जो रनिंग है वो जेन्युइन है या नहीं है, गाड़ी पे कोई चलान तो नहीं है, तो बहुत सारी चीजें होती है। और भी जितना अगर प्रॉपर आपको ब्रीफली वीडियो चाहिए ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, प्रॉपर ब्रीफली वीडियो लेके आएंगे इसी पर्पस के ऊपर। तो वैसे ही ना करते करते ऐसे तो बिल्कुल मूड नहीं है यार वीडियो, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा मूड ऑफ रहा है, ऑफ है मेरा यार, मतलब इस चीज को लेके ना कि मेरे साथ जो स्कैम हो आपके साथ ना हो। तो वीडियो एंड करता हूँ बस यार, ठीक है मैनेज कर लेना, अगली वीडियो में बात करें।